वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडरान। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडरान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स के बारे में, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, उस स्टॉक्स का कैसे सिलेक्शन करना है और कौन से बेसिस पे कहाँ पे एंट्री होगी। अब अगर आप स्टॉक्स में 10-20% का रिटर्न चाहते हैं यानी विद इन वन मंथ, और ये आप कह सकते हैं कि वन वीक भी, ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो दे सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा। दोस्तों, यहाँ पर कोई ब्लफ नहीं होगा, मैं डेटा एंड आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसके ऊपर जहाँ पे भी आपको एंट्री लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। कैसे आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको आप ऑलरेडी, अगर आपके पास अच्छा सिलेक्शन है तो 100% आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं 10-20%। इससे पहले अगर आप देखे होंगे कि हाउ टू फाइंड FPI इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, हमने यहाँ पर बात किया था 5-6 डेज पहले कि FPI कहाँ पर पैसे डाल रहे हैं, तो सेक्टर वाइज हम बात करेंगे। उसके साथ जो हमारा ज्ञान का लेवल है, इस वीडियो में ज्ञान के लेवल पे भी बात होगी कि ज्ञान के लेवल में कहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं आपको इनिशियल से लेकर चलता हूँ, टॉप डाउन अप्रोच हम यहाँ पे अपनाएंगे। अगर आप देखें 1-15 जुलाई के बाद 16-31 जुलाई में API ने इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 15 डेज आपको 15 अगस्त में इन्होंने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ डेटा को, 15 अगस्त का आ गया, रिकॉर्ड कर दिया। अब इनका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, 16,600 करोड़ का इन्होंने क्या किया, ऑटोमोबाइल से पैसा निकाला। पहले ये पूरे इन्वेस्ट कर रहे थे ऑटोमोबाइल में, कैपिटल गुड्स से इन्होंने पैसा निकाला, एक इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल से उन्होंने पैसा निकाला, और कंज्यूमर सर्विसेज में उन्होंने पैसा डाला, हेल्थ केयर में उन्होंने पैसा डाला, फिनेंशियल सर्विसेज से उन्होंने पैसा निकाला। तो पहले भी फिनेंशियल सर्विसेज से पैसा निकाल रहे थे, मेटल एंड माइनिंग से इन्होंने पैसा निकाला, और सर्विसेज से थोड़ी पैसा निकाले उन्होंने, टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा सा उन्होंने डाला है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे पकड़ना है जो बेस्ट सेक्टर है यानी कंज्यूमर सर्विसेज का और हेल्थ केयर का, इसके बाद हम आएंगे थर्ड में आपको टेलीकम्युनिकेशन का। तो इस स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे है, पावर में भी पैसा आया है, तो ये चार सेक्टर हम लेंगे और देखेंगे कि क्या इसके स्टॉक्स को हम पहले पता कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे पैसा यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में आया है। चलिए अब हम यहाँ पे जो डेली बेसिस पे स्टॉक्स का क्या करते हैं, तो एंट्री करते हैं यानी एंट्री के बेसिस पे यहाँ पे जो स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों ये अपडेटेड है, लगभग मैं 15 से एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, 14-15 के बाद यहाँ पर देखें तो हेल्थ केयर में TAR टार्सोन का आया है, कैपिटल गुड्स इसके बाद हेल्थ केयर आप देख सकते हैं ये आया है, हेल्थ केयर यहाँ पर, फिनेंशियल सर्विसेस, मेटल एंड माइनिंग से कुछ यहाँ पे आया है, केमिकल में इन्होंने क्या किया, फिनेंशियल में, इसके बाद हेल्थ सेक्टर में स्क्वेंट में यहाँ पे आया है, इसके बाद सर्विसेज में आया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में आया है। तो ये सब स्टॉक्स क्या है, सेक्टर वाइज चल रहे हैं यानी बेसिकली हम यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे। इसके बाद आप देखें जो 21 को इन्होंने मैक्सिमम क्या किया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसके बाद हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, इसके बाद आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फिनेंशियल सर्विस, फिनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज हैं। तो इनका क्या होता है, एक दिन पार्टिकुलर होता है जिसमें उस सेक्टर के स्टॉक्स में पैसे डालते हैं। तो इन्होंने 21 को हेल्थ केयर में पैसा डाला है। अब हेल्थ केयर के साथ और भी आगे हम देखेंगे कि आगे वाला में क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल देखें यहाँ पे, ऑटोमोबाइल, इसके बाद ये फिनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ये कैपिटल गुड्स में थोड़े से यानी मैक्सिमम स्टॉक्स में आप देखें तो 30% स्टॉक्स पूरे ओवरऑल में हेल्थ केयर में आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ से हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा और हम फिल्टर कर लेंगे तो पता चल जाएगा अब ये स्टॉक्स चले हैं या नहीं चले हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको पैसे डालना है, कब इनकी एंट्री आई है, थोड़ी सी हमें यहाँ से चेक करना होगा। जैसे मैं 19th का जो स्टॉक्स निकला है इसमें मैं यहाँ पर डाल दूंगा 19th के स्टॉक्स को, हेल्थ केयर का जो भी स्टॉक है स्क्वेंट, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस इन में लगभग एंट्री 143 16 अगस्त को आया था, इसके बाद 19th को, फिर 20th को भी, तो 143 से लगभग जिस दिन एंट्री आई कंटिन्यूस नेक्स्ट डे ये 10% चला, 4% 1%, तो बिल्कुल यहाँ पे आप 3 दिन में देख सकते हैं कि इस आपको एक्सेल शीट के माध्यम से, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पे एंट्री है 10, 4 और 1 यानी लगभग 15% ऑफ 3 डेज में निकाल सकते हैं ऐसे स्टॉक्स सिलेक्शन से। तो है ना बहुत अच्छी चीज़, यानी यहाँ पे ओवरऑल जो भी सेक्टर में, और भी बहुत सारा स्टॉक्स मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपको,
ऐसे ये भी एक हेल्थ केयर का है यहाँ पे, हेल्थ केयर के साथ और भी जहाँ पे पूरे स्टॉक्स हैं वो भी चला है या नहीं, बिल्कुल चलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं डालते हैं या फिर पहले से पैसा उनका नहीं पड़ा है। तो आप देख सकते हैं फोर यहाँ पे ये पहले लगभग जुलाई में आया था, इसके बाद ये 18% चल चुका है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा जो आपको यहाँ से 5 to 10% से ऊपर चल चुका है उस सेक्टर में भी। कुछ और सेक्टर्स के मैं यहाँ पे स्टॉक्स देख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉरेस्ट मटेरियल हेल्थ केयर का एक स्क्वेंट यहाँ पे हमने देख लिया था, और मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल का कुछ स्टॉक्स यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में इन्होंने पैसा डाला है और ज़्यादा इसका स्टॉक्स आ रहा है। तो मुझे ये तो पैसा वो डाला है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरी इंट्री आ रही है, आप इंट्री जब आई है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये इंट्री 227 के ऊपर आया, ये स्टॉक्स अभी 4% प्लस माइनस 4% है, तो ये मेरे रडार पे आ जाएगा। और नेक्स्ट डे अगर सेम इंट्री आई तो मैं 230 230 के ऊपर मैं एंट्री करूंगा, 3% वहां से लगभग चल चुका है स्टॉक्स। तो आप बिना किसी प्राइस एक्शन के, बिना किसी झंझट के ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ और आपको अलग सेक्टर्स का मैं स्टॉक्स यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये नहीं चला है, इसमें पैसा निकला है फिर भी चला है या नहीं चला है। ये हमारा आपको कैपिटल गुड्स के स्टॉक हैं, तो कैपिटल गुड्स के भी स्टॉक्स चलेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स चलेंगे, जो यहाँ पे इंट्री आई होगी उसमें कोई ना कोई ऐसा ही जो बड़ा प्लेयर यहाँ पे पैसा डाल रहा है। इस तरह से आप स्टॉक्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 170 के ऊपर एंट्री आई है, 22% चल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करूँगा, यानी ऐसे स्टॉक्स जो मेरा 20-22% ऑलरेडी चल चुका है एंट्री में, ये भी चलेगा आगे जा सकता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे हम, इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं होगा। तो ये तो विजया है, विजया हमने पहले भी मैसेज किया था अपने ग्रुप में कि विजया को हम यहाँ पे रडार में रख सकते हैं। चलिए मैं विजया यहाँ पे दिखाता हूँ, विजया में आप देखिए कंटिन्यूअस एंट्री आ रहा था दोस्तों, तो कंटिन्यूअस एंट्री 769 के ऊपर, और विजया हमने कहाँ पे आपको बताया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने मेरे लेवल पे, मेरे कम्युनिटिव टैब में अगर आप होंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इनाइल टोरेंट पावर सेफेयर, ये विजया मैंने 800 के ऊपर बाई दिया था लगभग 2 वीक्स पहले। आप देख सकते हैं विजया 2 वीक्स पहले ये मेरा बाइंग में आया था, 800 स्टेप लॉस 779 13 का मेरा टारगेट था 20 का, और ये देखें 919 एग्जैक्ट लगभग 20 डेज में नहीं 2 वीक्स में टच कर गया। तो ये इस एंट्री के आधार पर परफेक्ट आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अब या तो आपको ये सीट आपके पास होना चाहिए, नहीं आप अगर आप स्टॉक्स में जानते हैं तो मेरी ये आप ग्रुप में जाकर कम्युनिटी टैब में यहाँ पे ज्वाइन बटन है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे यहाँ से आपको एक अच्छा स्टॉक्स का सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। मोतीलाल ओएफएस चैन मैंने डाला था, तो मैं मोतीलाल ओएफएस को भी दिखा दूंगा, 610611 के ऊपर, 611 के ऊपर अच्छा चला है यहाँ पे। ओवरऑल दोस्तों मैं यहीं से स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, कहीं और से नहीं कर सकता हूं। विजय आप देखें, मेरे विजय 21 को फिर आया था, उससे पहले भी आया होगा तब मैंने दिया है। अब नेक्स्ट आप इस स्टॉक में थोड़ा सा मेहनत करिए और सर्च करके आप जरूर मुझे आप इस ग्रुप में कमेंट में बताइए कि कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन सा आपको अच्छा स्टॉक्स लगा, जैसे जिम लैब है एक, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को सलेक्शन करता हूँ जिसका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और वो आपको अच्छा रिटर्न देता है। ये दोस्तों मैंने एक बुक में पढ़ा था, वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। थोड़ा सा मैं इसको 2% चला है जिम लैब, और ये 117 के ऊपर एंट्री आई है, 109 के ऊपर, थोड़ा सा इसका फंडामेंटल आप जरूर देखिए जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फंडामेंटल में आपको क्या देखना है, मैं थोड़ा फंडामेंटल भी देखता हूँ यहाँ पे। एक दोस्तों वेबसाइट है फिनोलॉजी टिकर करके, फिनोलॉजी टिकर में आप आइए यहाँ पे, और इस स्टॉक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जिम लेबोरेटरी। सबसे पहले उसके मार्केट कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप है ये आपको 563 का, डेप्ट यहाँ पे देख लीजिए 106 करोड़ का है। तो रेशियो में आपको जरूर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ये दिखेगा। इसके बाद सेल्स ग्रोथ आप जरूर थोड़ा देखिए, तो 1 ईयर का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ कम है, यानी ये माइनस में गया है, कम हुआ है। ये तो सही है डेप्ट रेशियो, सेल्स ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा होना चाहिए, एटलीस्ट 10-12% तो होना चाहिए। और यहाँ मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ा देखता हूँ, पब्लिक के पास ज़्यादा है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बंच ऑफ स्टॉक लिस्ट है जिसमें से मैं अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न चाहिए, मैं क्यों ऐसे स्टॉक्स में जाके फंसूँगा, है ना, वो चले या नहीं चल सकता है भी। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर सलेक्शन करूँगा।
तो आपके पास स्टॉक्स के लिस्ट हैं दोस्तों, सन फार्मा एक अभी आया है, सन फार्मा को सभी लोग जानते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा सन फार्मा का यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कि अपने बाइंग लेवल से कितना दूर है। 15% ये चल चुका है और इसकी एंट्री आप देखें 16 के ऊपर लगभग यहाँ पे हाई वॉल्यूम डिलीवरी एंट्री आया था। तो जब भी अगर हाई वॉल्यूम डिलीवरी के बाद एग्जैक्ट एंट्री आ जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है यहाँ पे बाइंग के लिए, या फिर कंटिन्यूस अगर हाई वॉल्यूम डिलीवरी आ रहा है तो। तो आप देखें यहाँ पे लगभग कंटिन्यूस एंट्री आई थी 19th को 17, यहाँ पे 17:42 और ये स्टॉक्स लगभग यहाँ से 2-3% चला है, यहाँ से भी अच्छा चल चुका है। तो हाई सन फार्मा को कौन नहीं जानते हैं सारे लोग। ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों आप 100% महीने के 7-10% भी निकाल सकते हैं, किसी किसी में 20% भी हो जाता है। तो ये आपके पास लिस्ट है, आप इसमें से नेक्स्ट वीक का स्टॉक अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ आईटी सेक्टर के भी हैं, कुछ कैपिटल गुड्स के भी हैं, सर्विसेज के भी, यहाँ पे सर्विसेज में पैसा आया है। तो एक मैं सर्विसेज का भी आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए ये यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया, यानी 105 चल रहा है, 2% है इसका, आप जाके फंडामेंटल चेक करिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि जाके आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है। मैं और भी बहुत सारा क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ लेकिन ये मेरा मेन क्राइटेरिया है, इसका वेटेज मैं 60-70% देता हूँ। तो आप बिल्कुल इसके बेसिस पे कोई भी सिलेक्शन नहीं कीजिए, कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, लेकिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एक हाई मोमेंटम स्टॉक्स जो आपको दोनों साइड का मोमेंटम कहीं भी दे सकता है, गैन लेवल, यानी इस डेट में वहाँ पे क्या होगा, आपका डेट होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे 26 का डेट सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास बहुत सारा एक बायोकॉन, सीमेंस और सन फार्मा देखिए आया है, सन फार्मा भी मेरे पास आया है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अभी मैं 16 तक का दिखाया था, आज 26 है, तो यानी कल 26 है, 26 में मेरे स्टॉक कौन कौन से आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स वही तीनों स्टॉक बायोकॉन्स और सीमेंस एंड सन फार्मा आ रहा है 26 के बाद। आप इसको नोट कर सकते हैं कि इसमें मोमेंटम आ सकता है किसी भी साइड, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब ये इसके बाद मैं अगर 27th का डालूँ तो अंबुजा सीमेंट, ब्रिटानिया, कमिंस, आइसर मोटर, हवेल्स, IGL, इन्फोसिस, इतने स्टॉक्स हैं, मैक्स बहुत सारा, TCS, M&M, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। 27th के बाद मैं 28th यहाँ पे डालता हूँ, जो एटलीस्ट आप 2-3 दिन का नोट करके रख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कोलपाल है, MFSL है, NTPC है, REC लिमिटेड है, टाटा स्टील है और टोरेंट फार्मा है और यूको बैंक है। 28th के बाद मैं 29th कहाँ पे डालता हूँ, तो 29th में आप देख सकते हैं कि ऑटो फार्मा, आइपका लैब, SBI लाइफ एंड अल्ट्रा सैमको है। तो ओवरऑल इस तरह से हम यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कम्युनिटी टैब में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइव में ऑप्शंस के ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बात किया जाता है कि मार्केट डायरेक्शन क्या रहेगा, बड़ा प्लेयर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर अभी क्या बन रहा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर क्या है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, ये सब बातें यहाँ पे की जाती हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना है, वर्कशॉप रिलेटेड टू स्टॉक्स, रिलेटेड टू ऑप्शंस दोनों, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शंस के लिए नेक्स्ट हमारा बैच 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो ये आपके ऊपर है। देखिए वीडियो प्योरली लर्निंग पर्पज से है, इसके आधार पर कोई भी बाय सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं कीजिएगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उनके ही सलाह पे बाय सेल होल्ड करिए दोस्तों। ये चैनल कभी भी आपको प्रमोट नहीं करता है कोई भी स्टॉक्स या ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग का, ओनली लर्निंग पर्पज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके दोस्तों।